हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी बॉलीवुड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म अब के बरस के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अब के बरस एक हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे 10 मई सन 2002 को रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आए थे आर्या बब्बर, अमृता राव, आशुतोष राणा, डैनी डेंगोजा, शक्ति कपूर, आसित विद्यार्थी, बिस्वा विजेत प्रधान, विवेक शौक, नीना कुलकर्णी, मोहन जोशी, रजत बेदी और मनोज जोशी जैसे बेहतरीन कलाकार। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था राजकुमार ने। आगे चलकर इन्होंने बादल, दाग द फायर, इतिहास, जुदाई, जीत, जान और लाडला जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी थी रॉबिन भट्ट और सुतांतु गुप्ता ने मिलकर। डायलॉग्स लिखे थे रवि राव ने। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट 5 करोड़ 25 लाख रुपए था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 40 लाख रुपए की कमाई करी थी और अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 87 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और लाइफ टाइम पूरे इंडिया में 3 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई करी थी और वर्ल्ड वाइड में 7 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन करा था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। 2 घंटे 35 मिनट की इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से 3.4 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ये फिल्म अमृता राव और आर्या बब्बर की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद आर्या बब्बर को आगे चलकर सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अमृता राव को आगे चलकर अच्छी पहचान मिली थी। फैक्ट नंबर 2, राहुल रबेल 80 के बीच के दौरान में पुनर्जन्म पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें वो सनी देओल और पद्मनी कोल्हापुरी को लेना चाहते थे। इस फिल्म का टाइटल मोहब्बत और कर्ज होने वाला था, लेकिन पद्मनी ने तब शादी कर ली थी, इसलिए वो कुछ गुनी चुनी ही फिल्में कर रही थी। और वहीं सनी देओल ने अपनी बाकी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए राहुल रबे ने इस फिल्म को बनाने का आइडिया कैंसिल कर दिया। राहुल रबेल के बाद इस फिल्म की कहानी कुछ सालों के बाद राजकुमार के पास आई थी। फिर राजकुमार ने उसी फिल्म को बनाने का प्लान सन 1989 में फिर से शुरू किया था और जब इस फिल्म का टाइटल 7 पिछले जन्म रखा गया था, जिसमें सैफ अली खान और महिमा चौधरी नज़र आने वाले थे, लेकिन दोनों ज़्यादा फीस की डिमांड कर रहे थे जो कि राजकुमार के बजट से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बनाने का आइडिया कैंसिल कर दिया। और आगे चलकर राजकुमार ने सन 2002 में आर्या बब्बर और अमृता राव के साथ फिल्म अब के बरस बनाई थी। फैक्ट नंबर 3, आर्या बब्बर राज बब्बर के बड़े बेटे हैं, प्रातिक बब्बर के बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों की मां अलग अलग हैं और आर्या बब्बर की मां का नाम नदीरा बब्बर है और प्रातिक बब्बर की मां का नाम समीता पटेल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अब के बरस के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।